केंद्रिका एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर अंशु जौहरी है और आज हम होम साइंस के बारे में जानेंगे कि होम साइंस में क्या पढ़ा जाता है, क्या क्या ब्रांचेज हैं और यूजीसी नेट के लिए उसमें कैसे तैयारी की जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि होम साइंस है क्या। होम साइंस जैसे कि पता है सबको कि दो शब्दों से बना है मिलकर। होम साइंस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज होम एंड साइंस। होम, the word home refers to the place of residence where the family lives, and the science and the word science refers to knowledge based on principle, facts and laws. By combining these two words, the home science can be derived as application of scientific knowledge in a systematic manner toward improving the family and home life. होम साइंस जो है हमारे डेली लाइफ के बहुत से एस्पेक्ट से कंसर्न करता है, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रिसोर्सेज, प्लानिंग, हेल्थ, जिससे कि हम अपने लाइफ को और हैप्पियर एंड हेल्दियर बना सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट एरिया ऑफ होम साइंस, देयर आर फाइव मेजर एरियाज इन होम साइंस। पहला जिसमें की है फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। फूड एंड न्यूट्रिशन में हम सारे अपने जो फूड, हमें क्या फूड कितना लेना चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, हर एज ग्रुप के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये हम जानते हैं। क्लोथिंग हमारे डेली नीड्स होती हैं, इसके बारे में हम जानते हैं कि कौन सा कपड़ा, कौन सा वस्त्र, उसके क्या गुण हैं, क्या उसके अवगुण हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हम सारे अपने जो फैमिली में हमारे जितने रिसोर्सेज हैं उनके बारे में जानते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी में भी हम सारे एज ग्रुप से लेके आपका स्टार्टिंग से जब एक बच्चा पैदा होता है टिल एंड तक उसके सारे प्रोग्रेस के बारे में हम जानते हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के बारे में। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल जो है बेसिकली कपड़ों का विज्ञान, वस्त्र विज्ञान जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी वस्त्र का निर्माण जो है एक रेशे से होता है, फाइबर से। उसके बाद उससे यार्न बनता है, यार्न के बाद उससे हम फैब्रिक या वस्त्र बनाते हैं। कोई भी फाइबर जो है वो पहले एक मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल लेवल पे बनता है, फिर उस मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर जो है हमारा, उसकी यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं। कई मोनोमर मिलके जो है पॉलीमर बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा जो कपड़ा तैयार होता है उसकी एक दो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्राइमरी प्रॉपर्टीज एंड सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। प्राइमरी प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमारे वस्त्र के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, उसके बिना हम वस्त्र का जो है उत्पादन नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज या द्वितीयक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमारे वस्त्र के लिए एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है, जिसको कि हम चाहें तो रख सकते हैं लेकिन एसेंशियल नहीं होती हैं। प्राइमरी प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है लेंथ टू विड्थ रेशियो, टेनिसिटी और स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पिनिंग क्वालिटी एंड कोहेसिवनेस एंड यूनिफॉर्मिटी। लेंथ टू विड्थ रेशियो में होता है लंबाई और चौड़ाई का गुण, मतलब हमारे रेशे की लंबाई जो है ज़्यादा होनी चाहिए चौड़ाई से। टेनिसिटी और स्ट्रेंथ मतलब होता है सामर्थ्य, या कपड़े में कितना आपका सामर्थ्य है वो हम इसमें देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है लचीलापन, कपड़े में लचीलापन के होने का गुण भी आवश्यक होता है। स्पिनिंग क्वालिटी और कोहेसिवनेस का मतलब है हमारा यहाँ पे कि कताई का गुण और सटने का गुण, क्योंकि अगर कोई भी रेशा आपस में सटेगा नहीं तो उसकी हम कताई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई रेशा इस प्रकार से है तो ये आपस में नहीं सटेगा, और अगर वो रेशा इस प्रकार से है तो वो आपस में जल्दी सट जाएगा। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आपस में नहीं सटा है, इसके बीच बीच में गैपिंग है, और अगर हम इस शेप को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ये आपस में कितने अच्छे तरीके से सट गया है। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है एक समानता, किसी भी कपड़े में अगर एक समानता नहीं, किसी भी रेशे में अगर एक समानता नहीं है तो हम उससे अच्छा कपड़ा नहीं बना सकते हैं।
द्वितीय गुण या सेकेंडरी प्रॉपर्टीज में हमारा आता है सबसे पहले कलर, रंग। रंग हमारी इच्छा पे होता है कि हम उसका रंग कैसा रखना चाहते हैं। लस्टर मतलब चमक, वस्त्र में हम कितनी चमक चाहते हैं। डेंसिटी मतलब उसका घनत्व, कितना हल्का या भारी वस्त्र हम चाहते हैं। उसका शेप कैसा है। उसका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन मीन्स कि हम कितने वस्त्र में वो कितने नमी को ग्रहण करता है। इलोंगेशन मतलब वो कितना इलोंगेट करता है। रेजिलियंसी मीन्स होती है प्रतिस्कंदकता, यानी कि किसी भी वस्त्र को खींचा जाए और वो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाए, तो इसको हम रेजिलियंसी या प्रतिस्कंदकता कहते हैं। डायमेंशनल स्टेबिलिटी मतलब होता है कि कपड़े को, कि वो कपड़ा श्रिंक कर रहा है या स्ट्रेच कर रहा है। श्रिंक मतलब होता है हमारा सिकुड़ना, स्ट्रेच मतलब होता है हमारा फैलना। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं श्रिंकेज, प्रोग्रेसिव श्रिंकेज एंड रिलैक्सेशन श्रिंकेज। प्रोग्रेसिव श्रिंकेज वो होता है कि जिन कपड़ों को हम बार बार धोते हैं और वो बार बार फैलते जाते हैं, उनको हम प्रोग्रेसिव श्रिंकेज कहते हैं, जैसे कि ऊन या वुल। रिलैक्सेशन श्रिंकेज वो होता है कि जिनको हम कुछ एक दो बार धुलाई के बाद उनका फैलने का फैलते नहीं है और वो उसी उस पर ठहर जाते हैं, जैसे कि कॉटन या सूती वस्त्र। थर्मल रिएक्शन, यानी थर्मल रिएक्शन से मीन्स होता है कि वो अग्नि के प्रति कैसे जो है थर्मल रिएक्शन यानी कि वो अग्नि के प्रति कैसा व्यवहार दिखाता है, थर्मल रिएक्ट वो फायर प्रूफ है या नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे, एक अगर हम वस्त्र को लेते हैं, कोई भी वस्त्र दो प्रकार के धागों से मिलकर बना होता है, वार्प और वेफ्ट, ताना और बाना। जब इनकी आपस में बुनाई की जाती है तो इस प्रक्रिया को वीविंग कहते हैं। वार्प जो है लंबाई के धागे को, वर्टिकल जो धागे हमारे वर्टिकल में रहते हैं उन्हें हम वार्प कहते हैं। सेल्वेज के जो हमारे वर्टिकल में रहते हैं उसको हम वार्प कहते हैं। और जो धागे हमारे हॉरिजेंटल होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं सेल्वेज के, उनको हम वेफ्ट कहते हैं। वार्प धागों को हम एंड्स भी कहते हैं और वेफ्ट धागों को हम पिक्स भी कहते हैं। वेफ्ट धागों को फिलिंग यार्न भी कहा जाता है। लेंथ वर्टिकल लाइन के जो इसके वर्टिकल लाइन के जो एज होती हैं, उसके पैरेलल जो एज होती हैं, उन्हें हम सेल्वेज कहते हैं। सेल्वेज के जो हमारे कपड़े की डायरेक्शन को दिखाती है उसको हम ग्रेन कहते हैं या ग्रेन लाइन कहते हैं। ये तो या आपको वार्प वाइज में दिखाएंगे या तो ये वेफ्ट वाइज में दिखाएंगे। अगर ये दोनों वार्प या वेफ्ट में से किसी की भी डायरेक्शन को नहीं दिखाती हैं तो इसे हम ऑफ ग्रेन कहते हैं, तब इसे हम ऑफ ग्रेन कहते हैं। बायस क्या होता है? वार्प और वेफ्ट के जनरली हमारा जो कपड़ा होता है वार्प और वेफ्ट के 45 डिग्री के इलोंगेट करता है, तो इसको हम बायस कहते हैं। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट 45 डिग्री के उस पे करता है तो इसको हम ट्रू बायस कहते हैं। बायस ये कोई भी लाइन हो सकती है, लेकिन अगर ये एग्जैक्ट 45 डिग्री पे करता है तो इसको हम ट्रू बायस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कपड़े के कट में आप देख सकते हैं एक ब्लाउज के, कि ये लाइन हमारी वार्प की जा रही है और ये हमारी वेफ्ट की जा रही है। इसके जो बीच में एग्जैक्ट 45 डिग्री के बीच में जो लाइन आ रही है उसको हम ट्रू बायस कहेंगे। वार्प और वेफ्ट में क्या डिफरेंस होता है? वार्प यान जो है जनरली हमारा लेंथ वाइज में कट होता है और वेफ्ट में जो होते हैं हमारे उसमें जो है हमारे कुछ पार्ट्स बॉडी के जैसे फैब्रिक के जैसे कॉलर जो है हमारे वेफ्ट में होते हैं। वार्प यान में स्ट्रेचेबिलिटी लो होती है, वेफ्ट यान में स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा होती है। वार्प यान में हमारे प्लाई यान यूज़ होते हैं, वेफ्ट यान में हमारे सिंगल यान यूज़ होते हैं। प्लाई वेफ्ट यान में हमारा इसमें फिलामेंटस यान होते हैं, फिलामेंटस यान मींस लंबे यान, बड़े यान, और इसमें स्पन, वेफ्ट में स्पन यान यूज होते हैं, यानी कि छोटे रेशे का इस्तेमाल होता है।